बच्चों बेटा, आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स के रिवाइज सिलेबस के बारे में। आपको मालूम है कि कोरोना के चलते हुए CBSE ने अपने सिलेबस को कुछ कम किया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है अपने को कि क्या पोर्शन अपने को नहीं पढ़ना है वो जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज टू गेट अ गुड मार्क्स इन आवर एग्जामिनेशन वी हैव टू नो अबाउट द सिलेबस। बिकॉज इफ वी डोंट नो अबाउट द सिलेबस देन वी कांट स्कोर गुड मार्क्स। पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है आपको जानना कि क्या नहीं पढ़ना है। बिकॉज आपकी बुक में आप उठाएंगे तो सब कुछ दिया है, तो सारा कुछ पढ़ेंगे तो आपके पास टाइम ही कम पड़ जाएगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने को जानना कि क्या नहीं पढ़ना है। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए, यहाँ पे आपने स्क्रीन पे देख रखा होगा दो पोर्शन डिस्प्ले हो रहे हैं, यानी कि तीन स्लाइड डिस्प्ले हो रही है। एक है ओरिजिनल सिलेबस 2021, एक है रिवाइज सिलेबस एंड देन आफ्टर डिलेटेड पोर्शन। तो ये कोशिश की गई है इसमें इस PDF के माध्यम से कि आपको सबसे आसानी से समझ में आ जाए। तो बेटा यहाँ पे देखो, सिलेबस के जितने आपके ब्लैक वाले पोर्शन हैं वो सब आपके एज इट इज़ हैं, सिर्फ चेंज वाले को इस PDF में रेड कलर से शो किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि यूनिट फर्स्ट की। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो आपको सामने ही दिख रही है कि पहले हुआ करते थे हमारे 24 पीरियड्स, अभी कितने कर दिए हैं CBSE ने, 23 कर दिए हैं, राइट। बाकी सब कुछ सेम है। लास्ट में देखिएगा, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में जब हम पहुँचते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सीट, ये कट गया है आपका। रेड से दिखा रहा है इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों के लिए, राइट। तो यहाँ पे आपका शो कर दिया गया है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, राइट। डिवाइस सिलेबस में ये वाला पोर्शन आपका कट के मिलेगा, आपको दिख रहा है। हम चलते हैं अपने सेकेंड चैप्टर के बारे में। तो बेटा सेकेंड चैप्टर जो है हमारा वो क्या है, वो देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी चेंज नहीं किया गया है CBSE के द्वारा, यानी कि ये चैप्टर जो पहले था वही अब भी है। थर्ड पे आते हैं, यानी कि सेकेंड यूनिट है और चैप्टर नंबर थर्ड है, यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या है आपको देखना है कि पहले इसमें 18 पीरियड्स हुआ करते थे, अभी इसने क्या कर दिया है, 15 कर दिया है। तो मेजर चेंज तो यही है, 3 दिन इसने कम कर दिए, राइट। आगे हम देखते हैं, 3 दिन तो ये कम कर दिया है, ओके। आगे आप देखिएगा यहाँ पे कि पॉइंट कौन कौन से कट हुए हैं। तो हम देखते हैं रेड से यहाँ पे मेंशन किया गया है कार्बन, कार्बन रजिस्टर, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, दिस पोर्शन विल बी डिलेटेड। तो डिलेटेड वाले में देखिए यहाँ दिखा भी रहा है कार्बन रजिस्टर, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये पोर्शन आपका चेंज हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, मूव करते हैं थर्ड यूनिट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो देखिएगा सबसे मेजर जो चेंज होगा वो इसी में दिख रहा है, 22 पीरियड्स हुआ करते थे पहले, कितने पीरियड्स, 22, नाउ ओनली 16, अभी कितने हो गए, 16 पीरियड हो गए, ठीक है। चेंज कौन कौन से हुए हैं इस यूनिट में, तो पहले हम चैप्टर 4 की बात करेंगे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की। तो उसमें आपका एक टॉपिक गया है जो है साइक्लोट्रॉन, राइट, साइक्लोट्रॉन डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सबसे ज़्यादा चेंज इसी चैप्टर में आए हैं आपके। इसमें देखिएगा यहाँ पे है जो कट गए हैं पोर्शन उनकी बात कर रहे हैं हम। ये है बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, स्टार कॉन मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक तो ये पोर्शन कटा है, ठीक है ना। उसके बाद है पैरा डाया पैरो मैग्नेटिक सब्सटेंस कटे हैं, उनके एग्जाम्पल्स कटे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट, ये पोर्शन आपके CBSE ने हटा दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसी में कटे हैं 22 से, इन्हें 16 पीरियड्स कर दिए हैं। तो यहाँ देखिएगा डिलेटेड में रेड कलर से डिस्प्ले हो रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, राइट। अभी हम चलते हैं अपने यूनिट नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट।
इसमें देखिएगा इम्पॉर्टेंट चेंज क्या है, 20 पीरियड्स हुआ करते थे, अभी 19 पीरियड कर दिए हैं। ओके, ये तो एक हो गया। दूसरा कट क्या हुआ इसमें, पावर फैक्टर वॉटलेस करंट, इस चैप्टर में यानी चैप्टर 7 की बात कर रहे हैं, 6 में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। चैप्टर 7 में अल्टरनेटिंग करंट में पावर फैक्टर एंड वॉटलेस करंट, ये कट हुआ है आपका, राइट। चैप्टर जो 6 है उसमें कोई चेंज नहीं है, 7 में एक चेंज हुआ है, यानी कि दो टॉपिक कटे हुए हैं। हम बात करते हैं अपने 8th नंबर यानी कि 8th चैप्टर की, जो कि आता है आपका 5th यूनिट में। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कितने पीरियड हुआ करते थे पहले, 4 पीरियड हुआ करते थे। ये देखो यहाँ पे डिमेंशन है, 4 पीरियड्स, अभी कितने हो गए, 2, ओनली 2 पीरियड्स। ओके, इसमें देखिए बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये कटा हुआ है बेटा, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये कट गया है आपका, डिलेटेड, बाकी सब वैसे ही है। यूनिट नंबर 6 पे चलते हैं। तो पहले बेटा इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज आए हैं, पहली बात ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेज इसमें भी आए हैं। 27 पीरियड्स हुआ करते थे, अभी 18 हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं लगभग 9 पीरियड्स इसमें कम हुए हैं, तो सिलेबस भी ज़्यादा ही कम हुआ होगा। आइए देखते हैं क्या क्या कम हुआ है। ये है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला, ये कट हुआ है, रिलेटेड पोर्शन में आपको शो कर रहा है। फिर इधर आते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट द सनराइज एंड सनसेट, ये कम यानी कि ये कट हो गया है पोर्शन, साइड में आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है रिलेटेड वाले में, राइट। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसको बोलते हैं हम वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 10। इसमें है आपका जो रिलेटेड पोर्शन है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रेवस्टर लॉ, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलराइड, ये पोर्शन आपके कट हुए हैं, राइट बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम चैप्टर 11 की ओर, जो कि है आपका यूनिट नंबर 7 में। इसमें देखिएगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, 8 पीरियड थे, अभी इसने एक पीरियड कम किया है, इसमें 7 कर दिया है। पोर्शन जो कट हुआ है, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट डिटेल्स शुड बी ओमिटेड, ओनली कंक्लूजन शुड बी एक्सप्लेन, सिर्फ कंक्लूजन था वो भी ख़त्म कर दिया है अभी। ओके, तो ये पोर्शन डिलीट हुआ है आपका, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट का। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम, यूनिट आपका 8th, एटम एंड न्यूक्लियाई, बेटा इसमें 15 पीरियड हुआ करते थे, अभी आप देखिएगा इसमें 11 पीरियड बचे हैं, राइट। तो एक तो ये मेजर चेंज हुआ है, एटम में कोई चेंज नहीं आया है, चैप्टर नंबर 12 एटम एज इट इज है, न्यूक्लियाई में चेंज किया है इन्होंने, न्यूक्लियाई में क्या चेंज किया है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिएगा रेड कलर से आपका मेंशन किया गया है, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल ऑब्लिक रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डिकेला, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था ये पहले, अभी डिलीट हो गया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद है मास एनर्जी रिलेशन वाले पोर्शन में जो आप आते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, ये पोर्शन आपका बेटा डिलीट हो गया है, राइट। यहाँ पे न्यूक्लियाई से मेंशन है आपका डिलीटेड में। इसके बाद फिर हम देखेंगे 9th यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पहले इसमें 12 पीरियड हुआ करते थे, अभी CBSE ने 7 कर दिए हैं, ठीक है, यानी कि पीरियड काफ़ी कम हुए, लगभग 5 पीरियड कम हुए हैं। क्या क्या चेंज हुआ है वो देखेंगे, जीनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, ये कट हुआ है इसमें से, राइट। तो ये मेजर चेंज थे, बाकी कम्युनिकेशन तो आपको मालूम ही है, ख़त्म हो गया था, है ही नहीं है, यानी कि सिर्फ 9 यूनिट आपको पढ़नी है। प्रैक्टिकल में देखते हैं कुछ चेंजेज हुए हैं, उनको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चेंज है जो जानना भी ज़रूरी है आपको। प्रैक्टिकल में टोटल 60 पीरियड्स हुआ करते थे, अभी टोटल 32 हो गए, यानी कि काफ़ी कम हुआ है प्रैक्टिकल भी, बट क्या कम हुआ है वो जानना है प्रैक्टिकल में, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट नीचे लिखा मेंशन है, द रिपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू बी कैरीड आउट बाय द स्टूडेंट, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाते थे, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट होता था और उसकी एक्टिविटी आप डिमॉन्स्ट्रेट करते थे, वो ख़त्म कर दिया है,
ठीक है, सीबीएसई ने, यानी कि प्रोजेक्ट और उसकी रिपोर्ट नहीं लगेगी। फिर है वन एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन 3 मार्क्स, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट 3 मार्क्स, यानी कि ये 6 नंबर के जो पहले हुआ करते थे, यानी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले जाते थे और एक इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट ले जाते थे, वो हटा दिया है अभी आपका, बाकी सब वैसे ही है। आगे इसमें बढ़ते हैं, सेक्शन बी में एक्सपेरिमेंट देखते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यू इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड टू फाइंड द फोकल लेंथ। ये एक्सपेरिमेंट कम हुआ है बेटा इसमें से, ठीक है ना, सेक्शन बी से। सेक्शन बी हमारा ऑप्टिक्स सेक्शन को कवर करता था, इसमें ये एक्सपेरिमेंट कम हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। नहीं पता चला कि आपने वो कर दिया जो आपको सिलेबस में ही नहीं है या नहीं करना था आपको। फिर बेटा इधर आते हैं हम नेक्स्ट, टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ जीना डायोड, क्योंकि जीना डायोड हट गया है इसलिए उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल को भी हटा दिया है सीबीएसई ने। ये जीना, टू ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ जीना डायोड एंड टू डिटरमाइन इट्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये कट गया है आपका सिलेबस में से। ओके, फिर आते हैं सजेस्टेड इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट हट गया है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं है, जो पहले हुआ करते थे वो पूरा हटा दिया है। तो बेटा ये था आपका सिलेबस, ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि अभी आपको मालूम है क्लासेस आपकी ऑनलाइन रन कर रही हैं, और इस क्रम में आपको सिलेबस जानना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हो। ओके, और कोई डाउट हो सिलेबस को लेके तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जिनको अच्छा लग रहा है वो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एस।